हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं, आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो के शुरुआत में देखा कि आप उस तरीके की वीडियो कैसे बना सकते हो, यहां पे दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स पे काफ़ी जो है इस तरीके की वीडियो का क्रेज़ चल रहा है, काफ़ी जो है इफेक्ट जो है एक वायरल हो रहे हैं, इस तरीके की वीडियो काफ़ी वायरल हो रही है। और दोस्तों, आप भी इस तरीके का वीडियो बना के इंस्टाग्राम रील्स पर अपलोड करते हो तो आपकी भी अच्छी खासे व्यूज़ आ सकते हैं। तो आपने दोस्तों इस तरह की इफेक्ट की वीडियो कैसे बनानी है, सब कुछ मैं आपको उस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने ली, नॉलेज होने ली, तो वीडियो को पूरा एंड तक देख रहा हूँ। अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके पहले आपको प्रेस कर लीजिएगा। चलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने वो वाली वीडियो को डाउनलोड कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको आपने डाउनलोड कर लेना क्योंकि उसकी म्यूज़िक की ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना फटाफट से, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर लें। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने वी एन ऐप को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपने आपको क्या करना है, आपने जो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, देन आपके सामने ये न्यू प्रोजेक्ट पर आना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने जो है कुछ फ़ोटोज़ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने 7 फोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। जिस तरीके की आपने क्या करना है, एक जैसे भी आपने वीडियो बनानी है, एक बच्चे की फ़ोटो ले लेनी, जैसे कि मैंने यहाँ पे जसमानक की फ़ोटो ले रहा हूँ, एक जो छोटे हैं उसकी फ़ोटो ले रहा हूँ, और बाकी जो है आपने बड़ी फ़ोटो ले लेनी है, इसकी सिंपल 7 फ़ोटो ले लेनी है। तो यहाँ पर उसमें मैं 7 फ़ोटो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 7 फ़ोटो को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग वगैरह होगी और यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके का इंटरफेस। आपने करना है लास्ट में जाके इस ब्लैक वाले जो पार्ट है इसको यहाँ पे आपने करना है डिलीट। उसके बाद इसको थोड़ा आपने बड़ा कर लेना है इतना, और बाकी की जो फ़ोटोज़ हैं इसको थोड़ा सा आपने छोटा छोटा कर लेना है इतना इतना। तो सबको मैं यहाँ पर इतना कर लेता हूँ, और इसको भी मैं कर लेता हूँ, इसको भी कर लेता हूँ, और इसको भी, एंड ये लास्ट वाली को भी मैं इतना कर लेता हूँ। तो अब आपने क्या करना है, अपने अपने यहाँ पे म्यूज़िक ऐड करना है। तो यहाँ पे म्यूज़िक पे क्लिक करते हैं, उसके बाद म्यूज़िक पे जाते हैं, देन ये प्लस वाला आइकन पे क्लिक करते हैं। और जो मैंने दोस्तों वीडियो डाउनलोड करने के लिए कहा था, अब वो यहाँ पर काम आएगी क्योंकि हमने उस वीडियो का म्यूज़िक चाहिए, तो आपने वो वीडियो बनानी है और उसका म्यूज़िक लेना है, जो डाउनलोड करनी है उसका म्यूज़िक लेना है। उसके बाद आपने प्लस वाला आइकन क्लिक करेंगे, आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे। आपने करना है एक्स्ट्रा फ्रॉम म्यूज़िक पर क्लिक करना है यहाँ पर। उसके बाद जो फ़ोटो जो मैंने वीडियो कही थी वो आपने डाउनलोड कर ली होगी, उस वीडियो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर उससे ये वीडियो है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जो है इसका यहाँ पे नेम चेंज कर देना है। तो मैं फटाफट से इसका नेम चेंज कर देता हूँ, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। और आपके सामने ये आ जाएगा देखिए, और ये हमारा म्यूज़िक है, उसके बाद चूज़ पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर चेक का साइन है, ओके कर देना है। उसके बाद आपने करना है बीट के साथ इसको जॉइन कर देना है, मतलब जहाँ पे आपकी बीट है उस तरीके से अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप, मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे करना है। इससे आप यहाँ पे थोड़ा सा, आपको यहाँ पे कुछ पूरा बारीक तरीके से दिखता है, तो आपने थोड़ा सा अपनी उंगलियों से ऐसे तरीके से कर लेना है जितना आप चाहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मैं चला के और आपको यहाँ पर सेट करके दिखाता हूँ। तो पहले जो हमारी फ़ोटो कहाँ तक जाएगी, तो हमारा पहला जो इफेक्ट है वो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो इतना मैं यहाँ पे रोक के जो हमारी पहली फ़ोटो में यहाँ पे यहाँ तक रोक दूँगा, ताकि दोस्तों जो बीट पे है, बीट पे हमारी फ़ोटो चेंज होनी चाहिए। जैसे हमारी बीट आएगी वैसे मेरी फ़ोटो चेंज होगी, देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं बीट पे हमारी फ़ोटो चेंज होगी। तो हमारी फ़ोटो है इसको आपने दोस्तों सेलेक्ट कर लेना है अच्छे तरीके से। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का आ रहा है, तो आपने यहाँ पे करना, ऊपर ओरिजिनल का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करके इसको हमने 9:16 रेशियो में आपने सेलेक्ट कर लेना है इस तरीके से। आपकी सारी फ़ोटो इस तरीके से सिलेक्ट हो जाएंगी, और यहाँ पे जैसे ही आप बीट आएगी वैसे ही आपकी फ़ोटो चेंज होगी इस तरीके से। अब दूसरी बीट कहाँ पर आ रही है, दूसरी बीट मेरी यहाँ पर आ रही है, तो दूसरी बीट यहाँ पर आ रही है। तो मैंने यहाँ से जो है इस फ़ोटो को इतना मैंने यहाँ तक ले लूँगा, उसके बाद मेरी इस बीट पे मेरी फ़ोटो चेंज हो जाएगी, देख सकते हैं आप लोग। अब तीसरी बीट मेरी यहाँ पे आ रही है, और तीसरी बीट मेरी फ़ोटो चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से मैंने इस फ़ोटो को भी सिलेक्ट कर लिया, और
यहाँ पे मेरी एक फोटो ये है और एक फ़ोटो मेरी ये है। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमारी जो फ़ोटो मैंने सब जो सिलेक्ट कर ली है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। बीट के साथ मेरी फ़ोटो चेंज हो रही है, उसके बाद अपने क्या करना है, ये जो फ़ोटो है इसको हमने इतना ले लेना है ताकि फ़ोटो वो बराबर हो जाए। अब आपने क्या करना है, आपने जो है इसमें इफ़ेक्ट लगाने हैं। इफ़ेक्ट कैसे लगाने हैं मैं आपको बताता हूँ। जो पहली फ़ोटो है आपकी उसमें आपने यहाँ पे क्या करना है, ये जो इफेक्ट है एफएक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगाना है, यहाँ पे आपने लगाना है जीटर, जीटर करके इफेक्ट है, इसको आपने यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। ये देख सकते हैं आप लोग, देखिए इस तरीके से हमारी जो है इफेक्ट आ चुका है। और अब आपने क्या करना है, जो आपकी जितनी फ़ोटो है सब में जो है जीटर वाले इफेक्ट लगा लेना है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप लोग, और उसको कर देना आपने शुरुआत में यहाँ पे, ठीक है। आपने इतना थोड़े से बढ़ा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद नेक्स्ट फ़ोटो लेंगे, इस पर भी यहाँ पे क्लिक करेंगे, जीटर वाले इफेक्ट लगा लेंगे। शुरुआत में आपने इस इफेक्ट को कर देना, थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट को एफएक्स जीटर शुरुआत में थोड़ा सा आगे, तो उसके बाद ये वाली फ़ोटो ले लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एफएक्स पे, उसके बाद फिर जीटर वाले इफेक्ट ले लेंगे और ओके कर देंगे। देन इस पर भी ऐसे करेंगे हम, सॉरी फ़ोटो पे लेना हमने, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एफएक्स पे, देन जीटल चेक, और नेक्स्ट पे फ़ोटो पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे हम जीटल पे क्लिक और यहाँ पे ओके। अब दोस्तों हमारी वीडियो कंप्लीट तरीके से बन चुकी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं चला के दिखाता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे वीडियो बना सकते हो। आपने एक्सपोर्ट कैसे करनी है, सिंपल से आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है और नीचे जो यहाँ पे आपको दिख रहा हुआ यहाँ पे आपने पब्लिक कर देना और आपकी जो वीडियो होगी वो यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं आपकी जो फोटो जो भी वीडियो बनाई है आपने वो एक्सपोर्ट हो रही है। और अब आप अपने इंस्टाग्राम रील्स वगैरह जहाँ भी आप चाहें वहाँ पर अपलोड कर सकते हो। और भी दोस्तों आप कोई भी इफेक्ट आप बनाना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि आपको ये इफेक्ट सीखना है, वो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और मुझे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हो तो, और कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिएगा, उसका रिप्लाई देने की मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए वंदे मातरम।